सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के शुरू में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कॉन्टैक्ट के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, कैसे आप डायलर के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। कुछ दिन पहले मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी प्यार दिखाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कॉन्टैक्ट और डायलर के बीच में एनिमेशन सेट कर सकते हो। ठीक है, जब आप डायलर पे फोटो सेट कर लोगे, कॉन्टैक्ट पे फोटो सेट कर लोगे, जब आप डायलर से कॉन्टैक्ट पे स्विच करोगे, तो दोस्तों आपको एक कमाल का एनिमेशन देखने को मिलेगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा मजेदार है। अगर आपने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लो। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे आप कॉन्टैक्ट, डायलर और इनकमिंग कॉल स्क्रीन के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, कैसे आप बैकग्राउंड में अपना फोटो सेट कर सकते हो, कैसे आप एनिमेशन को सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप किस कंपनी का फोन यूज करते हो, जिससे दोस्तों मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो किस कंपनी का फोन सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिससे उस फोन से रिलेटेड मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। ठीक है, अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आपको सबसे पहले अपने फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहां पे सर्च करना है माई फोटो फोन डायलर। आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। 4.1 की काफी अच्छी रेटिंग है, 10 मिलियन से भी ज्यादा बार ये डाउनलोड किया जा चुका है। आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इस एप्लीकेशन में सेटअप करना है। सिंपली आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। ठीक है, जहां जहां ये पॉइंट बन रहा है आपको वहां वहां टैप करना है। अब आपको यहां पर डबल टैप करना है। अब दोस्तों, आपको इस एप्लीकेशन में कुछ परमिशन अलाउ करना है। ठीक है, इस तरह आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। दोस्तों, जब आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो आपको इसको डिफॉल्ट पे सेट करना है। ठीक है, अगर आप डिफॉल्ट पे इस एप्लीकेशन को सेट नहीं करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। इस तरह आपको इन सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। अब आपको बैक आना है। दोस्तों, अब आपको यहां पे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, डायलर, कॉलर, स्वाइप, फ्लैश। आप यहां से डायलर के बैकग्राउंड को चेंज करके अपना फोटो सेट कर सकते हो। इनकमिंग कॉल स्क्रीन को आप चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड में आप अपना फोटो लगा सकते हो। अगर दोस्तों आप इन दोनों फीचर को एक साथ में यूज करना चाहते हो, डायलर के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हो, इनकमिंग कॉल के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हो, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप सबसे पहले इनकमिंग कॉल के बैकग्राउंड को चेंज करना, यानी कॉलर के बैकग्राउंड को चेंज करना। ठीक है, अगर आप डायलर के बैकग्राउंड को पहले चेंज कर दोगे तो दोस्तों आप कॉलर के बैकग्राउंड को चेंज नहीं कर पाओगे। तो आप सबसे पहले इनकमिंग कॉल स्क्रीन के बैकग्राउंड को चेंज कर लेना, फिर डायलर को चेंज करना। ठीक है, तो हम यहां पे कॉलर पे क्लिक करते हैं। अब आपको यहां पे कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, इसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है। अब आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपको पिक इमेज पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से पिक इमेज पे क्लिक करना है। अब आपके फोन की जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। आपको यहां से उस फोटो को सेलेक्ट करना है जिसको आप बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हो। अब आपको इस तरह फोटो को क्रॉप कर लेना है और अप्लाई पे क्लिक करना है। आपको एक ऐड भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, हमारा जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन है वो चेंज हो चुका है, बैकग्राउंड में फोटो सेट हो चुका है। अब हम बैक आते हैं। दोस्तों, जब भी आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा, ठीक है, तो जो स्क्रीन है कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, स्टाइलिश लगता है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप डायलर के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट के बैकग्राउंड में आप अपना फोटो कैसे सेट कर सकते हो। अब दोस्तों, आपको डायलर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, पिक इमेज पे क्लिक करना है, फिर से पिक इमेज, और आपको यहां से फोटो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो हमारे डायलर का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, अब आपको इसमें एनिमेशन को सेट करना है। तो यहां पर हम इस एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, आपको इस एप्लीकेशन को होम स्क्रीन पे सेट करना है। ठीक है, आपको पहले वाले डायलर को इस तरह यहां से रिमूव कर देना है और इसको सेट कर देना है। अब आपको इसको ओपन करना है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो डायलर का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, और इस तरह आपको स्वाइप करना है। यहां पर आप कॉल हिस्ट्री देख सकते हो,
अब हम फिर से स्वाइप करते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट है देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एनिमेशन है आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो। आपको सिंपली थ्री डॉट पे क्लिक करके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पे स्वाइप पे क्लिक करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहां पे काफी सारे एनिमेशन मिलेंगे। आप जब इस तरह स्वाइप करोगे तो आपको एक अलग तरीके का एनिमेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी एनिमेशन आपको पसंद आए आप उसको सेट कर सकते हो। आप देख सकते हो काफी अलग अलग तरीके के एनिमेशन दिए गए हैं जिसको आप डायलर पे सेट कर सकते हो। जब आप स्वाइप करोगे तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह का स्टाइलिश एनिमेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो काफी अलग अलग तरीके के एनिमेशन दिए गए हैं। दोस्तों जब आप डायलर से कॉन्टैक्ट पे स्विच करोगे तो आपको कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हमें ये वाला एनिमेशन सेट करना है, ठीक है, आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहां पर एनिमेशन सेट हो चुका है। अब आप यहां पर देख सकते हो एनिमेशन काफी ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है। इस तरह दोस्तों आप इन दोनों के बीच में एनिमेशन को सेट कर सकते हो। जो भी देखेगा एक बार जरूर चौंक जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो डायलर का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, कॉल हिस्ट्री का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, कॉन्टैक्ट का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।